थ्योरी वहीं से बनती है। तो देखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द थिन फिल्म, तो ये एक थिन फिल्म है आपकी, ठीक है, टी थिकनेस है। थिन फिल्म मतलब जैसे यहाँ पर कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू वन, बहुत सारा मीडियम था, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्लास पर कोई ऑयल की लेयर लगा दिया, समझ रहे हो बेटा, एक ग्लास पर ऊपर ऑयल की लेयर बिछा, तो ऊपर क्या रहेगी, एयर रहेगी, फिर वो ऑयल की लेयर रहेगी, नीचे फिर ग्लास रहे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम इंटरफेरेंस कब ले रहे हैं, दो केसेस देखेंगे इस तरह के थिन फिल्म में, एक तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स रिफ्लेक्टेड और एक इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे इसमें इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो लाइट जो गिर रही है पहले इस फिल्म पे गिर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली गई यहाँ से, यहीं से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट गई, ठीक है, बट जरूरी नहीं है सारी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, कुछ पार्ट अंदर भी गया, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होके आया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है ना। तो अब ये जो आपके इसमें इंटरफेरेंस कहाँ दिखेगा, स्क्रीन कहाँ होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंटली बात है इस, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो स्क्रीन है वो आपकी रेटिना ही है, ठीक है ना। ये आपका लेंस जब इसको रेटिना पर मिलाएगा इन रेज को, क्योंकि इन रेज में पार्ट डिफरेंस है, तो आपके रेटिना पर ही वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिले, ठीक है। तो आपके रेटिना पर ही वो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और ये इकलौता एग्जाम्पल है वेव ऑप्टिक्स, जो कि आप लाइट को वेव कंसीडर करते हुए डेली लाइफ में देख सकते हैं, जहां पर आपकी पानी की ऊपर ऑयल की लेयर जब भी होगी, उस पर जब सनलाइट गिरेगी, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ का मैक्सिमा आपकी स्क्रीन पर होगा, और जिस कलर का मैक्सिमा जिस एंगल पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह खड़े रह के देखते रहेंगे तो एक ही कलर दिखता रहेगा, तब जैसे आप इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स उस लेयर के ऊपर दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सनलाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, बहुत सारी वेवलेंथ है, तो जिस कलर का वेवलेंथ का आपकी रेटिना पर मैक्सिमा हो जाएगा वो कलर आपको ज्यादा दिखे, ठीक है। तो इसलिए गर्दन घुमाते रहो, बहुत सारे कलर्स आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि एंगल्स पर ये पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता रहे, ठीक है ना, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप जैसे यहाँ पर ये एक तो इधर होके चली गई, दूसरी इस तरीके से आ रही, ठीक है। तो अब इन दोनों रेज का देखो, यहाँ तक तो सेम रेज आई थी, फिर उसके बाद जो यहाँ से पार्ट डिफरेंस, इसके बाद ये सेम लेंथ ट्रेवल कर रही है दोनों रेज, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों सेम लेंथ ट्रेवल कर रही है। अब देखो ये बहुत आसान हो जाता अगर मैं टिल्टेड नहीं लेता, नॉर्मली लेता, तो एससीवी ने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं केवल नॉर्मल वाले दे रखे हैं, बट थ्योरी में उसने पढ़ाया है, इतना डिटेल में उसने भी नहीं पढ़ाया, बट अपन ने सब कुछ ही कर लिया है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत बताया इसने। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है, डेई में ये स्टिल्टेड एंगल पर लाइट थिन फिल्म पे गिर जाए और फिर आपसे वो कुछ पूछे, ठीक है ना। क्योंकि इसने नॉर्मल वाला ही पूछा है जहां तक मुझे ध्यान है एडवांस में, तो नॉर्मल वाला सब करते हैं, बट अपन इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी इसमें ध्यान से, ठीक है ना। याद करने का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी बनाना पड़ेगा, वही बनाना पड़ेगा आपको, बस समझ लेना है कि रिफ्लेक्शन होके इस तरह की फिल्म से जो मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। तो एक तो रे ऐसी ही चली जाएगी, दूसरी जो आएगी अंदर जाके फिर जाए, तो देखो पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा, ठीक है ना। ये देखो पूरा की पूरा मीडियम म्यू टू में लेंथ है, तो मैंने इसको स्टार लिख दिया, ठीक है। अब ये भी म्यू वन में है, तो इसको भी मैंने स्टार लिख दिया, P1 P4 स्टार। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये जो रेज जाके इंटरफेरेंस बनाएंगी हमारे रेटिना पर, ठीक है, इनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो कौन सा पार्ट डिफरेंस है, P1 P2 P3 स्टार, क्योंकि ये वाली जो रे है इधर वाली, ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है और ये वाली इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, तो मैं क्योंकि ये पार्ट तो इसमें ऐड हो रहा है और ये वाला दूसरी वेव में ऐड हो रहा है, तो इसलिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड होके जो आप रिफ्लेक्शन से देखना चाह रहे हैं इंटरफेरेंस को, तो जो वेव जा रही है उनमें पार्ट डिफरेंस इस थिन फिल्म की वजह से कितना क्रिएट हो गया है, P1 P2 P3 स्टार -P1 P4 स्टार। अब सब कुछ मैंने कहा, जब भी देखो ये अलग मीडियम में, ये अलग मीडियम में, तो रिस्क लेना ही नहीं है किसी भी तरह का। सबसे आइडियल चीज क्या है, सब कुछ एयर में कन्वर्ट हो, ठीक है ना, क्योंकि ये पाथ तो अलग मीडियम में है, ये लेंथ अलग मीडियम में है, तो मैं तब से बोल रहा हूँ आपको रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है।
आप सब कुछ क्या कर दो, एयर में कन्वर्ट कर दो। तो वही मैंने किया है कि P1 P2 P3 स्टार को क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, सब कुछ एयर में करेंगे तो एयर में टी लेंथ मीडियम की एयर की किसकी लेंथ के इक्विवेलेंट होती है, म्यू इंटू टी की, तो बहुत आसान है, ठीक है। P1 P2 P3 को मैंने क्या लिख दिया, म्यू टू इंटू P1 P2 P3 माइनस P1 P4 स्टार को मैं क्या लिखूंगा, म्यू वन P1। अब देखो एक बार ध्यान से, मैंने कौन के केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ याद करने का रिजल्ट कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये केस आपको गिवेन था कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन ग्रेटर देन म्यू थ्री, आपको गिवेन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना बेटा, ये डेंसर मीडियम से नहीं है क्योंकि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू थ्री, तो इस पाथ में आपने कोई लेमडा बाई टू एड नहीं किया। देखो दिखने वाला है, बता रहा हूँ एडवांस में बहुत जल्द इस तरह, तो एक बार ध्यान से सुन ले इसको सब, ठीक है। यहाँ पर म्यू टू क्या है, म्यू वन और म्यू थ्री से ज्यादा है, ठीक है। म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन ग्रेटर देन म्यू थ्री, तो क्या है यहाँ पर आपका ये जो रिफ्लेक्शन है इस वेव का वो डेंसर मीडियम से नहीं है, वो रेयर मीडियम से है, बिकॉज म्यू थ्री इज लेस देन। इसके पाथ में कोई लेमडा बाई टू एड नहीं होगा, सिंपल इसका पाथ लेंथ कितनी है, म्यू म्यू टू इंटू पी वन पी टू पी। बट ये जो रिफ्लेक्ट होके गई है, समझ रहे हैं बेटा सब चीज लोग इस बात को, ये जो वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन है, तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया है, ये फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन, मतलब आप इसकी लेंथ में आपको लेमडा बाई टू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो इसकी कन्वर्ट करो, वो मैंने कन्वर्ट कर दी म्यू टी से, और प्लस लेमडा बाई टू मैंने यहाँ पे, अगर ये भूल गए लेमडा बाई टू तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पी वन पी टू पी थ्री को क्या लिख सकते हैं, पी वन पी टू प्लस पी टू पी थ्री, तो अब कहानी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है, जितना लगाना आपको आता है, ठीक है ना। इतनी कम गलती आप साइन आर कॉस आर ये सब में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपको थिकनेस दे सर, रखी है और म्यू वन म्यू टू दे रखे हैं, तो आई गिवन होगा आपको, तो आर निकाल सकते हैं आप स्नेल्स लॉस, ठीक है ना, आर आप निकाल सकते हैं। फिर टी और आर की टर्म में सारी लेंथ लिखता हूँ, देखो पी वन पी टू लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पी वन पी टू कॉस आर इज इक्वल टू टी, ऐसे पी टू पी थ्री भी आ जाएगी, पी टू पी थ्री कॉस आर इज इक्वल टू टी, तो पी वन पी टू पी टू पी थ्री तो आ गई। अब सारी बात है पी वन पी फोर कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत है, क्योंकि इसके लिए पहले ये निकालनी पड़ेगी पी वन पी थ्री, और ये पाई बाई टू माइनस आई, तो पी वन पी फोर कितना हो गया, पी वन पी थ्री कॉस पाई बाई टू माइनस आई, ठीक है ना। पी पी वन साइन पी फोर आई कितना हो गया, पी वन पी थ्री कॉस पाई बाई टू माइनस आई, तो पी वन पी थ्री साइन आई, साइन आई की जगह लिख सकते हो म्यू टू साइन आर अपॉन म्यू वन स्नेल्स लॉ से, और पी वन पी थ्री कितना है आपका, वो यहाँ से निकल ही जाएगा, टू पी वन पी टू कॉस आर साइन आर, जो भी उसको यहाँ पे रख दो, तो पी वन पी थ्री निकल आया, फिर पूरा पी वन पी फोर आ गया, ठीक है। तो पी वन पी फोर भी आ गया, ये है ही पहले से, आपको इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर माइनस लिम्डा वाई टू। जनरली अब तक जो कहा गया है और एससीवी के एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम में जो बोला गया है, वो कह रहता है लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है लाइट का, ठीक है। तो क्या बोल देता है कि जो भी पूछता है कि बताओ कितनी थिकनेस पर, अब थिकनेस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए पार्ट डिफरेंस फिक्स हो गया ना बेटा, तो एक पर्टिकुलर थिकनेस पर हो सकता है मैक्सिमम, या एक पर्टिकुलर थिकनेस पर हो सकता है मिनिमम, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर थिकनेस पे टी पे डिपेंड कर गया पार्ट डिफरेंस, तो वो नॉर्मल इंसिडेंस क्या रहता है, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको इतना बड़ा मेथड थोड़ी नहीं करना है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस पे पार्ट डिफरेंस पूछे तब तो लाइफ एक्सट्रीमली सिंपल हो गई ना, समझ रहे हो बेटा। कैसे बताओगे आप, कैसे करोगे उसको, देखो नॉर्मल इंसिडेंस है तो मैं कह रहा हूँ एक रे इधर आई एक रे ऐसे चली गई, ठीक है। जो अब तक जैसा क्वेश्चन आया है और एससीवी में भी जैसा है वो यही है, एक इधर आई दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली, ठीक है ना। और अगर कभी ना लिखा हो जेई मेन के प्रॉब्लम में, लिखना ही भूल गया हो नॉर्मल इंसिडेंट, तो यही मान के कर देना, यही पूछेगा और क्या पूछेगा, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं है तो पता नहीं है कि वो लिखता है कि नहीं, लेकिन अगर पूछे तो, अगर नहीं देगा वो तो भूल ही जाएगा, क्योंकि बाकी बुक्स में भी बहुत सारों में नहीं दे रखा, बस थिन फिल्म में लाइट ऐसे गिरी, बताओ क्या, ठीक है। बट आपको पता है कि कभी एंगल वाले केसेस भी एडवांस में आ जाए तो आप हैंडल कर सकते, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट में तो बहुत सिंपल है, एक इधर आई सीधी चली गई दूसरी अंदर आके गई, तो यहीं से लिख दो ना पार्ट डिफरेंस, देखो टी लेंथ है, ठीक है, तो ये किस लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, टी लेंथ म्यू टी लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगी,
ठीक है ना। टी लेंथ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, म्यू टी लेंथ के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और यहां से ही लिख दो ना पूरा, मैं लिख रहा हूँ। देखो ये क्या है, म्यू वन है, ये क्या है म्यू टू है, ये क्या है म्यू थ्री। अब क्योंकि म्यू टू ज्यादा है तो इसमें आपको कोई लेमडा बाई टू ऐड नहीं करना है, कितना होगा जस्ट ये टू म्यू टू इंटू टी, ठीक है। बट यहाँ पे ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन है तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा बाई, ये डायरेक्ट आ गया, तो कुछ नहीं करना पड़ा नॉर्मल, ये पार्ट डिफरेंट, ठीक है। फिर क्या पूछता है, मिनिमम थिकनेस कितनी होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, या बोलेगा वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन बोलता है, तो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या बोलता है रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्कनेस, कुछ इस तरह के वर्ड यूज करता है, तो डार्कनेस का यूज करेगा, ठीक है ना। या वेरी लो इंटेंसिटी लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो वो सब अगर बोलता है तो आप क्या समझेंगे, मिनिमा की बात कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो किस मिनिमम थिकनेस पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, तो ये टी की मिनिमम वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम थिकनेस बताओ जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रिफ्लेक्टेड लाइट का, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है सिंपल क्वेश्चंस में जो आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट एंगल पर भी आ जाए तो भी आप प्रॉपरली सब चीजें निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। याद कुछ भी नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, सब कुछ वही होगा समझदारी से, ठीक है। एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एक अंदर आके गई, तो ये जो अंदर आके गई टूटी तो एक्स्ट्रा चली, वो हो गई टू म्यू टू इंटू टी। बट यहाँ पर अगर ये म्यू थ्री इससे ज्यादा देता तो यहाँ पे लेमडा बाई टू एड हो, मान लो कह रहा था इफ म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू तो ये कितना हो जाता, टू म्यू टी प्लस लेमडा बाई टू, बट नहीं कहा ऐसा, तो सिर्फ टू म्यू टू इंटू टी, ठीक है। और यहाँ से अब ये जो ये क्योंकि म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो ये लेमडा बाई टू यहाँ से इसको ऐड करना पड़ेगा, तो इसका एक्स्ट्रा हो रहा है टू म्यू टू इंटू टी, इसका एक्स्ट्रा हो रहा है लेमडा बाई टू, तो नेट एक्स्ट्रा कितना हो गया टू म्यू टी माइनस लेमडा बाई टू, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो गलती का कोई चांस नहीं है, काफी सिंप्लीफाइड चीजें हैं अगर समझदारी से नोट्स में लिख ली गई तो, ये कंडीशन बहुत, ठीक है ना। कितना ही टाइम लगे, कितनी मेहनत लगे, एक एक वर्ड इन सबका नोट्स में जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इतने सारे केसेस हैं, काफी हो गए, थिन फिल्म भी हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, प्रिज्म आ जाएगा, बेलेट स्प्लिट लेंस आ जाएगा, तो सब वॉश वॉश हो जाएगा अगर अपनी राइटिंग में ढंग से नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल इंसिडेंस का मैंने नीचे बताता, ठीक है, तो मैंने वही बता दिया। देखो यहाँ पर तो इसके लिए लिखा है मैंने, यहाँ पर वो कर दिया म्यू थ्री को ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पर ये जो आ रही है कितना हो गया टू म्यू टू इंटू टी प्लस लेमडा वाई, अब उसका कितना था माइनस लेमडा वाई टू, कट ही गया। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना बचा रिफ्लेक्टेड में, केवल टू म्यू टू इंटू टी बचा, तो ऐसे कोई भी केस बन सकता है, ठीक है। आपको मैंने इक्वेलेंस बता दिया, टी इज इक्वेलेंट टू म्यू टी, एंड डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो आपको लेमडा वाई टू एड करना है, बस ये बात है। तो ये बेहद कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है पूरा, ठीक है ना, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, केवल कॉमन सेंस आपको ज्यादा यूज करना है, ठीक है।